हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं तो अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, पढ़ते रहिए। आइए स्टार्ट करते हैं। आज का सब्जेक्ट हमारा है भारत में विपणन व्यवहार अर्थात मार्केटिंग प्रैक्टिस इन इंडिया। काफ़ी लेक्चर जा चुका है और बहुत कम ही चैप्टर बचे हुए हैं। समझिए कि मुश्किल से एक से दो लेक्चर और में मार्केटिंग प्रैक्टिस इन इंडिया खत्म हो गया, लेकिन समाप्त होने के आ गए। लेकिन आप लोग अब शेयर नहीं कर रहे हैं तो थोड़ा वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, बाकी आपकी इच्छा, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। और आज का हमारा जो सब्जेक्ट है, टॉपिक है, वो है स्कंद विपणी। क्या है स्कंद विपणी? स्कंद विपणी, स्कंद विपणी क्या होता है? इसको अंग्रेजी में क्या कहा जाता है? स्टॉक एक्सचेंज कहा जाता है, स्टॉक एक्सचेंज। स्टॉक एक्सचेंज होता क्या? आज दो टॉपिक पढ़ेंगे, स्कंद विपणी अर्थात स्टॉक एक्सचेंज के बारे में और एक सेबी के बारे में, भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड। तो सबसे पहले स्कंद विपणी के लिए जानते हैं। तो तैयार हो गए आप लोग? हाँ, कुछ बच्चे तो जुड़ गए हैं, लेकिन आप लोग कंटिन्यू इसी तरह पढ़ते रहिए। तो ये स्टार्ट करते हैं। स्कंद जो विपणी है, स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा। एक संगठित बाजार होता है, एक संगठित एक मार्केट होता है, एक ऐसा मार्केट होता है जो जैसे अन्य हम जो बाजार मार्केट वगैरह देखते हैं, ऐसा मार्केट नहीं होता। वो एक निश्चित स्थान पर होता है। और वहां पे होता क्या है? वहां पे जितनी भी संयुक्त पूंजी वाली कंपनियां, ठीक ना, जो सीमित दायित्व वाली कंपनियां, जॉइंट स्टॉक कंपनी है, इन कंपनियों के जो शेयर्स हैं, डिवेंचर्स हैं, या जितनी भी सिक्योरिटीज अर्थात प्रतिभूतियां होती हैं, इन प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय होता है। देखते होंगे कि मार्केट में बहुत सारे मार्केट होते हैं। सब्जी मंडी होता है, कपड़ा मंडी होता है, लोहा मंडी होता है, दुनिया भर की मंडियां वगैरह होती है। उसी तरह इसका एक अलग मार्केट होता है। और यह जो मार्केट होता है, चूंकि इस तरह दुकान छान कर नहीं यहाँ खरीदा बेचा जाता है, उसका स्पेशली एक एरिया होती है, एक बिल्डिंग होती है, एक प्लेस होती है, जहां पर हम ऑनलाइन ट्रेडिंग करते हैं। यह ऑनलाइन ट्रेडिंग में क्या होता है, इसे एक संगठित मार्केट कहा जाता है, जहां पर संयुक्त पूंजी वाली कंपनियों के शेयर्स और डिवेंचर या सरकारी प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय होता है। यह जो स्टॉक एक्सचेंज है हमारा, यहां पे यह हमारे देश की अर्थव्यवस्था का एक बहुत बड़ा सूचक होता है, अर्थात इसे देश के पूंजी बाजार का एक बहुत बड़ा हिस्सा माना जाता है। इसी से हमारे क्या नाम है, देश में कितना आर्थिक योगदान हो रहा है, हमारी इकोनॉमी कितनी है, इसके बारे में इसकी जानकारी होती है। और यह एक प्रकार का रजिस्टर्ड मार्केट होता है, अर्थात जिसके यहाँ नाम शेयर बाजार में गवर्नमेंट के यहाँ दर्ज रहता है, यहाँ पे ऐसी प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय किया जाता है। प्रश्न यह उठता है कि इस स्कंद विपणी स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है, यह जो हमारी स्कंद विपणी है, थोड़ा एक सेकंड, कुछ प्रॉब्लम दिख रहा है। हाँ, तो कुछ टेक्नोलॉजी प्रॉब्लम आ गया था, इसके वजह से होल्ड करना पड़ा। खैर कोई बात नहीं। हाँ, तो हम चर्चा चला रहे थे स्कंद विपणी के संदर्भ में। तो स्कंद विपणी अभी बताया कि एक ऐसा बाजार होता है जहाँ पर विभिन्न कंपनियों के अंशों और ऋण पत्रों का क्रय विक्रय किया जाता है, सरकारी प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय किया जाता है। यह किसी देश की आर्थिक व्यवस्था का सूचक होता है। सबसे पहले ये जानेंगे स्कंद विपणी की स्थापना कब हुई। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले स्कंद विपणी की स्थापना 1776 ईस्वी में कहां पे हुई थी? लंदन में हुई थी, ठीक है, लंदन में पहला स्टॉक एक्सचेंज बनाया गया था। लेकिन हम भारत के संदर्भ में चूंकि पढ़ रहे हैं, क्योंकि चैप्टर सब्जेक्ट हमारा है भारत में विपणन व्यवहार, तो भारत के संदर्भ में जब हम पढ़े तो सबसे पहले स्कंद विपणी की स्थापना भारत में कब की गई? तो भारत में आपसे बता दें
कि भारत में सबसे पहले स्कंद विपणी की स्थापना 1887 ईस्वी में बंबई में की गई थी, ठीक है, इस समय बॉम्बे नाम है, और इसका नाम था बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, बीएससी इसको कहा जाता, बीएससी, ठीक है, नाम सुने होंगे, बीएससी एनएससी ये सब होता है, तो बीएससी का मतलब होता है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। इसका मतलब यह है कि भारत का पहला स्टॉक एक्सचेंज बंबई में स्थापित किया गया था, वो भी 1887 ईस्वी में। और स्कंद विपणी के संदर्भ में तो आप पढ़ी लिए कि स्कंद विपणी होता क्या। अब प्रश्न ये भी उठता है कि स्कंद विपणी की क्या विशेषता होती है, क्या करेक्टर्स होते हैं, ठीक है, तो आइए इसके बारे में बताते हैं। ध्यान दीजिएगा, स्कंद विपणी की विशेषता, यहां मैं लिख रहा हूं विशेषता, स्कंद विपणी की फर्स्ट विशेषता क्या होती है, पहली विशेषता होती है कि स्कंद विपणी एक संगठित बाजार होगा। क्या है? स्कंद विपणी एक संगठित बाजार होता। कौन सा बाजार? संगठित बाजार, मतलब एक सिस्टमेटिक ढंग से चलने वाला एक मार्केट होता है। दूसरा क्या होता है कि यहां पर जितने भी कंपनियां हैं, चाहे सरकारी कंपनियां हैं, चाहे गैर सरकारी कंपनियां हैं, या संयुक्त पूंजी वाली कंपनियां हैं, इन प्रतिभूतियों के अंशों ऋण पत्रों का क्रय विक्रय होता है। अब एक चीज और मैं बता दूं कि जो करेक्टर हमारा होता है, विशेषता होता है, अक्सर उसके डेफिनेशन का ही पार्ट किया गया रहता है। दूसरी क्या है कि यहां पर संयुक्त स्कंद, संयुक्त स्कंद कंपनियों का, कंपनियों के अंशों ऋण पत्रों, ठीक है, वह प्रतिभूतियों का, प्रतिभूतियों का क्या होता है, क्रय और विक्रय होता है, माने यहां पे खरीदा बेचा जाता। और भी इसकी कुछ विशेषताएं हैं कि स्कंद विपणी में समामेलित और असमामेलित दोनों ही प्रकार की, समामेलित और असमामेलित, समामेलित मतलब रजिस्टर्ड और अनरजिस्टर्ड, दोनों ही प्रकार की कंपनियों के अंशों का क्रय विक्रय होता है। अर्थात स्कंद विपणी में, स्कंद विपणी में, विपणी में समामेलित और असमामेलित मेलित कंपनियां होती, कंपनियां होती मतलब रजिस्टर्ड और अनरजिस्टर्ड दोनों ही प्रकार की कंपनियां होती। एक चीज और भी बता दें कि इसमें इसकी एक और विशेषता है कि यहां पर जो सूचीबद्ध कंपनियां होती हैं उन्हीं के अंशों का क्रय विक्रय किया। अब यहां पे सूचीबद्ध और असूचीबद्ध क्या होता है, लिस्टेड इसे अनलिस्टेड कहा जाता है। लिस्टेड का मतलब होता है कि ऐसी कंपनी जिसका नाम शेयर बाजार में दर्ज होता है तो उसे सूचीबद्ध कहा जाता है, और जिसका नाम दर्ज नहीं रहता है उसे असूचीबद्ध कहा जाता है। तो यहाँ पे दिया गया है केवल सूचीबद्ध प्रतिभूतियों का व्यवहार होता है। यहाँ क्या होता है? सूचीबद्ध, सूचीबद्ध कंपनियों का, कंपनियों का व्यवहार होता है, मतलब जो भी सूचीबद्ध कंपनियां हैं उन्हीं के कंपनियों का अंशों का क्रय विक्रय किया जाता है। और क्या होता है? स्कंद जो विपणी होती है उससे सेबी के दिशा निर्देशों के अंतर्गत होता है। अर्थात यहां यह बाजार सेबी के दिशा निर्देशों के अंतर्गत, निर्देशों के अंतर्गत व्यापार होता है, व्यापार होता है, ठीक है। अब यहां सोचेंगे कि सेबी क्या है, तो सेबी अभी थोड़ी देर बाद में बताऊंगा, वो अलग एक आपका विषय या टॉपिक है, ठीक है। दूसरी चीज एक और है कि इस शेयर बाजार में ब्रोकर्स जो हमारे होते हैं, दलाल जिसे कहा जाता है, ये जो शेयरों को खरीदा बेचा जाता है ये ब्रोकरों के माध्यम से खरीदा जाता है। यहां पर क्या होता है? यहां पर शेयरों को, शेयरों को ब्रोकर के माध्यम से, ब्रोकर के
के माध्यम से, माध्यम से क्या होता है, क्रय और विक्रय होता है, विक्रय होता, ठीक है। ये इसके करैक्टर या विशेषता। एक चीज और बता दें कि प्रेजेंट टाइम में लगभग भारत में 24 स्टॉक एक्सचेंज ऐसे हैं जो कार्यरत हैं, अर्थात संचालित किए जा रहे हैं। क्योंकि एमसीक्यू कोई क्वेश्चन आए तो उसमें पूछा जा सकता है कि दुनिया में सबसे पहले स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना कब हुई थी, तो लंदन में 1776 ईस्वी में हुई थी, और भारत के संदर्भ में कब हुई थी, तो 1887 ईस्वी में बॉम्बे में हुई थी, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के नाम से। वर्तमान में कितने स्टॉक एक्सचेंज इस समय कार्यरत है, तो लगभग 24 स्टॉक एक्सचेंज कार्यरत है। इसके करेक्टर ये होते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे कि यह स्कंद जो विपरीत है इसके कार्य क्या, इसको मिटाए, मिटाए। देखिए स्कंद विपरीत के कार्य, अब इसके हम कार्यों के बारे में जानकारी करें। स्कंद विपरीत के कार्य क्या होते हैं, क्योंकि स्कंद विपरीत तो बहुत सारा काम करता है, लेकिन फिर भी मुख्य रूप से कौन कौन सा कार्य करता है। सबसे पहला नियमित बाजार की यह स्थापना करता है। पहला क्या है, नियमित बाजार की स्थापना, नियमित बाजार की स्थापना, नियमित बाजार की स्थापना क्या मतलब होता है कि स्कंद विपणी एक ऐसा मार्केट है जहां दिन प्रतिदिन, नित प्रतिदिन, रोज पर डे, हर एक पल, हर समय प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय किया जाता है, खरीदा और बेचा जाता है, और प्रतिदिन किया जाता है। ऐसा नहीं कि उसमें कुछ हॉलीडे वगैरह रहता है, रोज के रोज शेयर देखते होंगे मार्केट में, शेयरों के भाव में रोज पेपर में आता है, कमी वृद्धि होती रहती है, ये सिलसिला चलता रहता है, खरीदते रहते हैं लोग, बेचते रहते हैं, ये नियमित बाजार है। ऐसा नहीं है कि आज बंदी है, कल ये है, कल वो है, ऐसा कुछ नहीं। दूसरा क्या है कि जो शेयर बाजार होता है ये पूंजी की तरलता प्रदान करता है, पूंजी की तरलता प्रदान करता, प्रदान करता। स्टॉक एक्सचेंज जो होता है वो पूंजी में गतिशीलता लाता है, हमारी जो कैपिटल है उसको हमेशा बनाए रखता है। जिस तरह देखे होंगे कि नल में पानी है, कंटिन्यू आता रहता है, इसके मतलब वो पानी आता रहता है, जाता रहता है, इससे सिलसिला चलता रहता है। उसी तरह हमारी जो पूंजी है, पैसा है, धन है, यह एक ऐसा मार्केट है जहाँ पर रोज पैसे का आवागमन होता है, धन का आदान प्रदान किया जाता है। अगला क्या है, प्रतिभूतियों का यह सही मूल्यांकन करता है, प्रतिभूतियों का सही मूल्यांकन करता है, सही मूल्यांकन करता है, मतलब जो भी हमारी सिक्योरिटी है उसका एग्जैक्ट वैल्यू ये तय करता है, इसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए। अगला क्या है इसका, यह व्यवहारों की सुरक्षा, एक और चीज, पूंजी के निर्माण में सहायता करता है। अगला है पूंजी निर्माण में सहायता करता। अब पूंजी निर्माण क्या है, देश की अर्थव्यवस्था में शेयर बाजार की एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है, तो यह पूंजी के निर्माण में हमारी इकोनॉमी को यह बढ़ाने में बहुत बड़ा योगदान देता है। अगला है बचतों को गतिशीलता प्रदान करता है। अगला इसका क्या क्या, बचतों को गतिशीलता प्रदान करता है, गतिशीलता प्रदान करता, बचतों को गतिशीलता प्रदान करने का मतलब है कि ये लोगों की छोटी छोटी बचत को कलेक्ट करने का भी कार्य करता, ताकि वो इकट्ठा करे, थोड़ा थोड़ा पैसा शेयर में इन्वेस्ट करे, जैसे बढ़े उसे बेचे और अपना एक अच्छा खासा पूंजी तैयार कर ले। और क्या करता है, यह मध्यस्थ के रूप में भी कार्य करता, यह मध्यस्थ के रूप में कार्य करता, मतलब ये मीडिएटर के रूप में भी कार्य करता। कैसे मीडिएटर के, हमें मान लीजिए शेयर खरीदना है, सामने कंपनी है, तो हम कंपनी में नहीं जाएंगे,
उसके लिए क्या करेंगे, एक ऐसा जगह, एक ऐसा प्लेस, एक ऐसा मार्केट बना हुआ है जहां पर हम आसानी से जाएं और किसी भी कंपनी के शेयर खरीद सके या उस जगह से संपर्क करें जिसे स्टॉक एक्सचेंज कहा जाता है, और वहां से हम किसी भी कंपनी को परचेज या सेल आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, अगला है, यह सूचियन द्वारा प्रतिभूतियों को दृढ़ता प्रदान करता है। यह सूचियन द्वारा प्रतिभूतियों को गतिशीलता प्रदान करता, मतलब यह कंपनियों के शेयरों को सूचीबद्ध करता है, कहता है कि भाई कि आप हमारे यहाँ आइए, जब शेयर बिछवाने हैं आपको या खरीदवाने हैं, और अपना नाम दर्ज करा दीजिए। जिनको दर्ज कराएगा वही उन्हीं प्रतिभूतियों का ये क्रय विक्रय करेगा, जिनका दर्ज नाम नहीं होगा तो उसका यहाँ पे शेयर नहीं बिकेगा। ठीक है, और भी इसके कुछ दिया गया है, कौन कौन से है, हाँ अगला है, यह विनियोक्ताओं की प्रतिभूतियों का ज्ञान कराता है। यह विनियोक्ताओं को प्रतिभूतियों का ज्ञान कराता, मतलब जो इन्वेस्टर्स होते हैं, इन्वेस्टर्स किसे कहा जाता है, जो किसी कंपनी के शेयर वगैरह खरीदते हैं, उनको क्या करता है, यह जानकारियां प्राप्त प्रदान करता है कि भाई हमारे यहाँ इस कंपनी के शेयर्स बिक रहे हैं, आप इसे खरीद लीजिए, इसका ये रेट है, हर पल उसका रेट चेंज होता रहता है, इसलिए इसके प्रतिभूतियों की जानकारी विनियोक्ता को प्रदान करता है। और क्या करता है, नई पूंजी प्राप्त करने में सहायता करता है। और क्या करता है, नई पूंजी प्राप्त करने में सहायता प्रदान करता। यह कैसे करता है, शेयर मार्केट में कोई थोड़े जरूरी है कि जो पुराने इन्वेस्टर हैं वही इन्वेस्ट करेंगे, उदाहरण तो कोई भी इन्वेस्ट कर सकता है, कोई भी पर्सन इन्वेस्ट कर सकता है, और जब कोई भी पर्सन इन्वेस्ट करेगा या एक ही पर्सन बार बार पूंजी मतलब शेयर खरीदेगा तो वहां पे नई नई पूंजी का निर्माण होगा, तो यह नई पूंजी प्राप्त करने में क्या करता है, सहायता प्रदान करता है। और भी है इसके, लेकिन मुख्य इतना ही है, इतना पॉइंट आप लोग याद कर लीजिएगा, काफी है, सफिशियंट है। ठीक है, और स्टॉक एक्सचेंज में देखिए क्या दिया गया है, अब प्रश्न ये भी उठता है कि स्कंद विपणी के महत्व क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है, ये इंपोर्टेंस के बारे में बता दें आपको, मिटाए इसको मिटा दे रहे हैं, स्कंद विपणी के महत्व, अब इसके महत्व इंपॉर्टेंस, इसके बेनिफिट्स क्या, ध्यान दीजिएगा। वैसे जो हमारा स्टॉक एक्सचेंज होता है, एक तरह से समझिए वो पूंजी का गढ़ होता, देश के आर्थिक विकास का सूचक होता, समझिए कि हमारी पूरी इकोनॉमी इस स्टॉक एक्सचेंज पर डिपेंड करती है, हमारी इकोनॉमी का एक बहुत बड़ा हिस्सा इससे जुड़ा हुआ है। इसे कुछ विद्वानों के द्वारा कहा गया है कि पूंजी का गढ़ या मूल्यों का मंदिर भी स्टॉक एक्सचेंज की संज्ञा दी गई। अब प्रश्न है कि इसकी महत्ता पर प्रकाश डालिए, यदि क्वेश्चन में आता है कि स्कंद विपणी के महत्व पर प्रकाश डालिए तो हम कैसे लिखेंगे, तो अब इसके महत्व को दो भागों में बांटा गया, सबसे पहले ई, पहला महत्व है आर्थिक विकास का एक महत्वपूर्ण साधन, पहला इसका हेडिंग होगा आर्थिक विकास का एक महत्वपूर्ण साधन।
ये हमारा फर्स्ट रीडिंग। इसमें बहुत सारे पॉइंट्स मिलेंगे। आर्थिक विकास का एक महत्वपूर्ण साधन का मतलब हो गया कि स्टॉक एक्सचेंज एक ऐसा जरिया, एक ऐसा साधन, एक ऐसा माध्यम है जो हमारे देश की आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है या सबसे ज्यादा योगदान प्रदान करता है। ठीक है, अब ये किस प्रकार से ये हमारे देश के आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण साधन के रूप में कार्य करता है, इसके कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स दिए गए। सबसे पहला पॉइंट्स दिया गया है, यह बचत के अवसरों को बढ़ाता है। पहला दिया गया है, यह बचत के अवसरों को, बचत के अवसरों को क्या करता है, बढ़ाता। बचत के अवसर को बढ़ाने का मतलब है कि यह लोगों में बचत की भावना उत्पन्न करता है, बचत को प्रोत्साहन देता है कि अपनी छोटी छोटी बचतों को जमा करिए और एक बड़ी पूंजी का निर्माण करिए। क्योंकि जितनी भी संयुक्त पूंजी वाली कंपनियां हैं, जब ये अपने अंशों या ऋण पत्रों को निर्मित करती है, जारी करती है, तो वह बचत के अवसरों को वृद्धि करती है। और उनका यह भी माध्यम होता है कि हर एक पर्सन, मतलब जो भी जिसको जरूरत है, अपनी जो भी छोटी छोटी बचत करता है तो हमारी कंपनी में इन्वेस्ट करे। और कैसे इन्वेस्ट करे, शेयर और डिवेंचर के माध्यम से इन्वेस्ट करे। हम उसके बदले में उसके छोटी बचत के माध्यम से हम उसको शेयर्स और डिवेंचर्स देंगे और समयानुसार उसको लाभांश, और जो डिवेंचर लिया है तो उस पर हम ब्याज देंगे, ताकि एक निर्धारित समय पर जब वो अपनी पूंजी प्राप्त करेगा तो एक बड़ी पूंजी के रूप में उसका निर्माण होगा। दूसरा इसमें है बचत की इच्छा को बढ़ावा। बचत की इच्छा को बढ़ावा, बचत की इच्छा को यह बढ़ावा देता। बचत की इच्छा को बढ़ावा का मतलब क्या होता है कि जब एक दो तीन चार इन्वेस्टर जब किसी कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे, उनको कुछ बचत होगी, एक बड़ी पूंजी का जब निर्माण होगा, तो उसके जरिए और भी बहुत सारे ऐसे इन्वेस्टर होंगे, छोटे छोटे इन्वेस्टर होंगे जो छोटी छोटी अपनी पूंजी को उसमें लगाएंगे, किसी कंपनी में लगाएंगे, तो उनकी भी इच्छा होगी कि हम भी अपनी बचत को और वृद्धि करें। तो यह लोगों में बचत की भावना भी जागृत करता है। अगला है बचत का उत्पादन कार्यों में प्रयोग। बचत का उत्पादन कार्यों में, उत्पादन कार्यों में प्रयोग। इसका एक अगला महत्व यह है कि जो हम बचत किसी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं, उस पैसे से वो कंपनियां क्या करती हैं, अपने उत्पादन कार्यों में लगाती हैं, अपना प्रोडक्शन डबल करती हैं, ट्रिपल करती हैं, बढ़ाती हैं, और बढ़ाने के बाद से उसके प्रोडक्शन से जो भी उसे लाभ होता है, जो भी उसे फायदा होता है, वो फायदे को अपने कंपनी में इन्वेस्ट करती हैं, जो उसमें से कुछ शेयर जो होता है वो अपने इन्वेस्टकर्ता को, अर्थात अंशधारियों को, जो पैसा इन्वेस्ट किया रहता है उसको लाभांश के रूप में प्रदान करती है। अगला इसमें है पूंजी का सर्वोत्तम संभव बनाना। पूंजी का उपयोग सर्वोत्तम संभव बनाना, संभव बनाना मतलब कि जो भी हमारी पूंजी है, छोटी छोटी पूंजी है, इसका हम उपयोग इस कदर बना दें कि एक बड़ा पूंजी तैयार हो जाए, अर्थात उससे कोई ना कोई बड़ा कार्य हो जाए। ठीक ना, ये तो था आपके ए के अंतर्गत ये चार पॉइंट। और बी इसका, इसका महत्व है, बी हमारा दिया गया है कि आर्थिक और राजनीतिक स्थिति का दर्पण। आर्थिक व राजनीतिक स्थिति का दर्पण, स्थिति का दर्पण मतलब जो स्कंद टिप्पणी है हमारे, वो देश की इकोनॉमिक और पॉलिटिकल स्टेटस का एक दर्पण है। दर्पण का मतलब जिस तरह एक मिरर देखते हैं और उसमें मिरर में हम अपना फोटो देखते हैं, फोटो से हमको यही प्रतीत होता है कि हमारी स्थिति क्या है, हमारा रूप रंग कैसा है, हम कैसे दिखते हैं। ठीक उसी तरह यह हमारा स्टॉक एक्सचेंज ही एक ऐसा है जो हमारे इकोनॉमिक स्टेटस और पॉलिटिकल स्टेटस को दर्शाता है। तो इसका स्कंद विपणी का इम्पोर्टेंस कहाँ भी है, हमारे आर्थिक जगत में भी है और राजनीतिक जगत में भी इसका विशेष योगदान है। ठीक है, तो बस
एक सेकंड जल्दी से नोट करिए और फिर अगला टॉपिक हम जल्दी से बताते हैं। आज कई बार थोड़ा सा दिक्कत आई है लेक्चर में, ठीक है, खैर कोई बात नहीं। हाँ, कहीं तो स्कंद विपरीत आपका नोट हो गया, ठीक है, जल्दी से नोट कर लिए होंगे, तो अब इसको मिटा दें हम और अगला टॉपिक जो शुरू करने जा रहे हैं, ये समझिए स्टॉक एक्सचेंज खत्म हो गया, अब सेबी के बारे में आपको कुछ बता दें। एक चीज और बता दें कि स्टॉक एक्सचेंज में जो हमने पढ़े इस पे क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, क्वेश्चन पहले बता दें कि स्कंद विपरीत क्या, इसकी करेक्टर या विशेषता बताइए, क्वेश्चन ही नहीं बन सकता, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट इस पे क्वेश्चन बनेगा कि स्कंद विपरीत क्या है और इसके कार्य बताइए। दूसरा क्वेश्चन बताएगा कि स्कंद विपरीत की महत्ता पर प्रकाश डालिए, ठीक है, तो ये इस पर क्वेश्चन बन सकते हैं। आइए हम अगला टॉपिक शुरू करते हैं, सेबी। सेबी, अब सेबी क्या होता है, इसका पूरा नाम है भारतीय प्रतिभूति, भारतीय प्रतिभूति, ठीक है, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड, एवं विनिमय बोर्ड, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड, इसको अंग्रेजी में क्या कहा जाता है, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सिक्योरिटी एक्सचेंज एंड बोर्ड ऑफ इंडिया, इसी को सेबी कहा जाता है, ठीक है, पूरा नाम है। यहां एमसीक्यू क्वेश्चन बनेगा तो यहां पूछा जा सकता है कि सेबी का पूरा नाम क्या है, कुछ भी इधर से उधर चेंज करके दे सकता है। आइए अब शुरू करते हैं कि सेबी का गठन पहले कैसे हुआ, कब अध्यादेश जारी हुआ। ध्यान दीजिएगा, सेबी की स्थापना, सबसे पहले इसकी स्थापना के बारे में, कि सेबी की स्थापना जो हुई थी यह 12 अप्रैल 1988 को हुई थी। कब हुई थी? 12 अप्रैल 1988 को। इसे वैधानिक दर्जा कब दिया गया? इसे वैधानिक दर्जा कब दिया गया? वैधानिक दर्जा मतलब एक अध्यादेश जारी किया गया और वह किया गया 31 जनवरी 1992 को, एक अध्यादेश जारी करके सेबी को एक वैधानिक संस्था के रूप में, वैधानिक कानून के रूप में, एक बोर्ड के रूप में गठित कर दिया गया, अर्थात यह 1992 से अपना इसे मान्यता मिल गई, ठीक है। इसके बाद से फरवरी में इसे संसद में बिल पास किया गया और संसद में बिल पास होने के बाद से यह 3 अप्रैल 1992 को इसने अपना कार्य प्रारंभ कब किया? प्रारंभ किया 1 अप्रैल 1992 से इसने अपना कार्य प्रारंभ कर, और यह जब प्रारंभ किया तो एक कानून के रूप, एक कानून के रूप में अपना कार्यों का संचालन किया। कानून मतलब नियम। अब प्रश्न ये उठता है कि यहां पे किस कैसा कानून बनाया? इसमें मेन इसका मकसद, इसको स्थापित होने का मतलब ये था कि सब पहले बहुत ज्यादा शेयर्स घोटाले होते थे, मतलब कि बहुत सारी कंपनियों के अंशों का क्रय विक्रय वगैरह किया जाता था, करने के बाद से कुछ कंपनियां बंद हो जाती थी, कुछ शेयर ऐसे ही गायब हो जाते थे, लोग इन्वेस्टर का पैसा कंपनियां खा जाती थी, तमाम तरीके का था। तो ऐसे ऐसे जैसे कि इसकी भूमिका में है कि 1992 में एक सबसे बड़ा शेयर घोटाला हुआ था और पूरी भारतीय पूंजी बाजार को, स्टॉक एक्सचेंज को वह घोटाला हिला कर रख दिया था। तो इसी को देखते हुए यह कानून बनाया गया। कानून का इसका मकसद ये था कि जो भी इसके निवेशक हैं, जो भी निवेशक हैं, उन निवेशकों की हितों की, इन निवेशकों के हितों की रक्षा करने, रक्षा करने के उद्देश्य से इसकी स्थापित किया गया कि कोई भी इन्वेस्टर
कोई भी निवेशक यदि किसी कंपनी में अपना पैसा इन्वेस्ट करता है, निवेश करता है या लगाता है, या किसी कंपनी के शेयर्स या डिबेंचर्स या अदर कोई सिक्योरिटीज खरीदता है, तो उसको किसी भी तरीके से नुकसान न हो। यदि नुकसान होता है तो उस पर यह कानून बनाया गया कि उसकी जिम्मेदारी सेबी लेता है। इसी के संदर्भ में इस सेबी का गठन किया गया, क्योंकि 1992 में जो सबसे बड़ा शेयर घोटाला हुआ था, तो उसके पहले छोटे मोटे बहुत सारे घोटाले होते रहते थे, लेकिन बाद में पूरी अर्थव्यवस्था को हिला कर रख दिया था, इतना बड़ा घोटाला हुआ। तो उन्हीं निवेशकों के हितों की रक्षा के लिए एक कानून बनाया गया कि किसी भी प्रकार का इसमें कोई धोखाधड़ी होने की संभावना न हो। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं कि जो ये सेबी होता है, इसमें एक चेयरमैन होते हैं और दो सदस्य होते हैं। इसमें क्या होते हैं? एक चेयरमैन होते हैं, एक चेयरमैन होता है, चेयरमैन माने अध्यक्ष, और इसके दो क्या होते हैं? सदस्य होते हैं। और जो ये सदस्य होते हैं वो केंद्रीय मंत्रालय के होते हैं, ये केंद्रीय मंत्रालय के होते हैं। उस केंद्रीय मंत्रालय में से एक जो सदस्य होता है, इसमें से एक पर्सन होता है, वो आरबीआई का कोई अधिकारी होता है। ठीक है, और एक कोई भी हो सकता। यह जो सेबी का गठन जब किया गया था, इस सेबी का जब गठन किया गया था, तो इसका मुख्यालय कहां स्थापित किया गया? मुख्यालय बंबई में, अर्थात मुंबई में, मुंबई में स्थापित किया गया था, और आज भी मुंबई में है। अब हम आगे बढ़ते हैं कि सेबी की भूमिका क्या है। इसको मिटा ध्यान दीजिएगा। अब सेबी की भूमिका के बारे में वर्णन कर रहे हैं कि सेबी की भूमिका क्या। सेबी की जो भूमिका है वो दो चीजों के संदर्भ में, सेबी की भूमिका दो चीजों के संदर्भ में। पहली भूमिका क्या? प्राथमिक बाजार में सेबी की भूमिका, प्राथमिक बाजार में, बाजार में सेबी की भूमिका, सेबी की भूमिका मतलब प्राइमरी मार्केट में सेबी की क्या भूमिका। और दूसरा हमारे भूमिका है इसमें सहायक बाजार में सेबी की भूमिका, सहायक बाजार में, बाजार में सेबी की भूमिका, सेबी की भूमिका। ठीक है, प्राथमिक बाजार में सेबी की भूमिका क्या है? मतलब कि जो हमारा प्राइमरी मार्केट है, प्राइमरी मार्केट में मतलब छोटे छोटे निवेशक होते हैं, और सहायक बाजार में बड़े बड़े निवेशक होते हैं। तो ऐसी बाजार में सेबी की क्या महत्वपूर्ण भूमिका है? तो पहला है कि प्रविवरण के प्रारूप में सुधार करना। क्या है? प्रविवरण के प्रारूप में, प्रारूप में सुधार करना, सुधार करना पहली भूमिका। प्रविवरण क्या होता है? प्रोस्पेक्टस जानते ही हैं कि जब भी कोई किसी कंपनी का निर्माण होता है तो वहां पे तीन मुख्य प्रलेख तैयार किए जाते हैं, जैसे एक पार्श्व सीमा नियम, एक अंतर नियम और एक प्रविवरण होता है। तो खैर, पार्श्व सीमा नियम और अंतर नियम तो एक अलग प्रलेख है जिसमें कंपनी की नियमावली से संबंधित बातों का उल्लेख रहता है, लेकिन प्रविवरण जो हमारा होता है तो उसमें कंपनी के जब शेयर्स कैसे जारी किए जाते हैं इसके संबंध में रूल रेगुलेशन होता है कि उनके शेयर कैसे जारी किए जाएंगे, जारी किए तो आवेदन पर क्या प्रक्रिया होगी, आवंटन पे क्या होगी, याचनाओं पे क्या होगी, या एक मुश्त उसका पेमेंट किया जाएगा, कैसे क्या होता है, ये सारा प्रविवरण में उल्लेख रहता है, ये कंपनी लॉ में दर्शाया गया। तो प्रविवरण के प्रारूप को पारदर्शी बनाना और उसमें किसी भी प्रकार की धोखाधड़ी न होना, साफ सुथरा बनाना, सबके समय में आ जाना, ऐसा बनाया गया। दूसरा है जोखिम घटकों को प्रकट करना अनिवार्य, जोखिम घटकों को प्रकट करना अनिवार्य, प्रकट करना अनिवार्य। जोखिम घटकों को प्रकट करना अनिवार्य का मतलब है कि जिन शेयरों को खरीदने से, डिबेंचर या प्रतिभूतियों को खरीदने से
निवेशकों को यदि उसमें रिस्क होने की संभावना है तो उसकी वैधानिक चेतावनी अवश्य दी जानी चाहिए। देखते होंगे कि जहां पर रिस्क होने की संभावना रहती है तो वहां निर्देश नीचे लिखा रहता है, वैधानिक चेतावनी लिखी रहती है कि ये अपने जोखिम पर करें, इसमें और किसी की लाइबिलिटीज नहीं। अगला है अंशों के आवंटन व सूचियन को पूरा करना। अगला इसका भूमिका होती है कि अंशों के आवंटन व सूचियन को पूरा करना। ये भी सेबी की भूमिका होती है कि जो शेयर का अलॉटमेंट किया जाएगा उसका लिस्टिंग किया जाएगा, ये भी भूमिका निभाता है सी। अगला है प्रमुख संस्थानों का पंजीयन करना। प्रमुख संस्थानों का पंजीयन करना मतलब कि सेबी के अनुसार यदि कुछ प्रमुख संस्थान हैं, जैसे कि मान लीजिए कोई निर्माण करने वाला प्रबंधक है, बैंकर है, अभिभावक है, तो वो उसका पंजीयन कौन करता है? सेबी ही करता है। अगला एक और इसकी मुख्य भूमिका होती है निवेशकों की समस्या का समाधान करना। निवेशकों की समस्या का समाधान करना। जो भी निवेशक होते हैं, इन्वेस्टर होते हैं, उनकी जो समस्याएं होती हैं उन समस्याओं को दूर करने का उद्देश्य भी सेबी के पास होता है। अगला है निवेशकों को शिक्षित करना। जो भी इन्वेस्टर होते हैं, यहाँ निवेशकों को शिक्षित करने का मतलब पढ़ाता नहीं है, निवेशकों को शिक्षित करने का मतलब है उनको जानकारी प्रदान करता है, उनको जागरूक बनाता है, ताकि वो यदि इन्वेस्ट कर रहे हैं तो पहले उसके बारे में जान लें कि इसके रूल रेगुलेशन क्या है, कैसे इसमें ग्रोथ होगा, कैसे डिक्रीज होगा, कब उसको सेल करेंगे, कब बाई करेंगे, उसके बाद से क्या उस पर ब्रोकरेज चार्ज होगा, ये सारी जानकारी देने का कार्य करता है। ठीक ना। अगला और है ये हो गया मर्चेंट बैंकरों का पंजीयन करना। मर्चेंट बैंकर क्या होते हैं? मर्चेंट बैंकर्स का मतलब होते हैं कि ऐसे बैंकर्स जो होते हैं जो किसी नई कंपनी के नए अंशों को जारी करने का कार्य करते हैं, वो जिम्मेदारी अपने ऊपर लेते हैं, तो उसे मर्चेंट बैंकर कहा जाता है। ऐसे बैंकर्स क्या होते हैं? नई नई कंपनियों के शेयरों को बिकवाने का काम इस शेयर मार्केट के से करते हैं, लेकिन जो नए शेयर्स होते हैं उन पर हाई रिस्क होता है कि पता नहीं कंपनी कैसी है कैसी नहीं है, तो ये सब नियंत्रण करने का काम कौन करता है? सेबी करता है, ताकि उन मर्चेंट जो बैंकर हैं उनका पंजीयन करा ले, रजिस्टर्ड करा ले, कि जब रजिस्टर्ड रहेंगे तभी उससे क्रय विक्रय आसानी से कर सकते हैं। अब इसके बी पार्ट में आ जाइए। बी पार्ट में दिया है सहायक बाजार में सेबी की भूमिका। सहायक बाजार में हमारी सेबी की क्या महत्वपूर्ण भूमिकाएं होती हैं? पहली भूमिका है स्कंद विनिमय केंद्रों का नेटवर्क तैयार करना। स्कंद विनिमय बैंकों का नेटवर्क तैयार करना, मतलब जो स्टॉक एक्सचेंज वाले हमारे बैंकर्स हैं या केंद्र है, यहां बैंकों का मतलब है केंद्र कि जो स्टॉक एक्सचेंज के केंद्र है उनका एक नेटवर्क, एक जाल तैयार करना कि कोई भी आदमी कहीं से भी शेयर खरीद सकता है, बेच सकता है, और सब जगह एक ही तरीके से शो करेगा, जिस तरह ऑनलाइन बैंकिंग वगैरह है उसी तरह स्टॉक एक्सचेंज भी एक केंद्र है जहां पे इसका नेटवर्क तैयार किया जाता है और कहीं भी रहकर किसी भी स्थान के किसी भी कंपनी के शेयर आसानी से खरीद सकते हैं। अगला है स्कंद विनिमय केंद्रों के गठन में सुधार। स्कंद विनिमय केंद्रों में सुधार।
स्कंद विनिमय केंद्रों में सुधार का मतलब है कि जो भी स्टॉक एक्सचेंज है उसमें कुछ कमियां यदि रह गई है तो यह सेबी एक ऐसा चीज है जहां पे उसमें सुधार की प्रक्रिया अपनाता है कि भाई आपके सेंटर्स पे या केंद्र पे या ऑफिस में ये कमियां हैं उसको सुधार करिए। अगला है परामर्शदात्री समिति का गठन। परामर्शदात्री समिति का गठन, समिति का गठन, परामर्शदात्री समिति का गठन का मतलब है कि सेबी हर स्टॉक एक्सचेंज में एक सलाहकार अर्थात काउंसलर नियुक्त करती है, एक काउंसलर कमेटी नियुक्त करती है। उस कमेटी का ये होता है कि समय समय पर परामर्श देना, लोगों को जागरूक करना, लोगों को उसके बारे में बताना, उसके जो भी मेरिट डिमेरिट है उसके बारे में समझाना, एक परामर्शदात्री समिति का कार्य होता है। शोध व प्रकाशन प्रारंभ, शोध व प्रकाशन प्रारंभ, शोध व प्रकाशन प्रारंभ का मतलब समय समय पर स्टॉक एक्सचेंजों के बारे में रिसर्च करना कि भाई इस कंपनी का ग्रोथ बढ़ता जा रहा है, इसका गिरता जा रहा है, ये अच्छा है, ये खराब है, और उसको समाचार पत्र या अन्य किसी माध्यम से उसको प्रकाशित करना ताकि इसकी सूचना जनता तक पहुंचती है। देखते होंगे स्टॉक एक्सचेंज में अक्सर जो रेट बढ़ते घटते रहते हैं समाचार पत्रों के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से प्रकाशित होते रहते हैं। ऐसा इसलिए होता है कि लोग जागरूक होकर लोगों को जानकारी इसकी मिले ताकि बीच में जो मीडिएटर्स या ब्रोकर्स वगैरह होते हैं इस पर कोई अहित न करे। अगला है विदेशी संस्थागत निवेशकों का पंजीयन करना। विदेशी संस्थागत निवेशकों का पंजीयन करना कि जो भी विदेशों में अस्थायी तौर पर रहने वाले ऐसे निवेशक हैं वो अपना और वो किसी कंपनी का शेयर खरीदना चाहते हैं तो सबसे पहले आके इस स्टॉक एक्सचेंज में या सेबी के मार्फत से अपना रजिस्ट्रेशन करा लें और रजिस्ट्रेशन कराने के बाद से ही वो अपना शेयर खरीद ले सकते हैं। और भी है दलालों और उपदलालों का पंजीयन करना। दलालों का पंजीयन करना मतलब शेयर मार्केट में देखे होंगे एक बड़े दलाल होते हैं, एक छोटे दलाल, मतलब बड़े ब्रोकर्स छोटे ब्रोकर्स, तो इनका रजिस्ट्रेशन करने का कार्य भी सेबी के द्वारा किया जाता है क्योंकि जो शेयर्स हम खरीदते हैं बिना ब्रोकर के माध्यम से नहीं खरीद सकते, तो वह ब्रोकर जो होते हैं एक बहुत बड़े ब्रोकर होते हैं पूरे लेवल पे होते हैं, छोटे छोटे उसके अंडर में होते हैं, उसे उपदलाल कहा जाता है। तो इनका रजिस्ट्रेशन करने का भाई ये कोई फर्जी आदमी ना हो, नॉमिनेट आदमी हो अर्थात उस कंपनी या उस सेबी या उस स्टॉक एक्सचेंज का एक मेंबर हो, मतलब उसमें कार्यकर्ता हो ताकि कल कुछ धोखाधड़ी होते इसे भी पकड़ा जा सके। अगला क्या है, अगला दिया गया है स्कंद विनिमय केंद्रों में सुधार करना। ये तो सुधार करना तो हो ही गया है, ठीक है। अगला है कि स्कंद विपणी केंद्रों का निरीक्षण करना। स्कंद विपणी केंद्रों का निरीक्षण करना माने समय समय पर सेबी का ये भी कार्य होता है कि जितने भी स्टॉक एक्सचेंज सेंटर्स हैं या बनाए गए हैं तो उनका निरीक्षण किया जा सके। तो ये तो था आपका सेबी की भूमिका। अब इसमें अगला जो हमारा टॉपिक दिया गया है वो हमारा टॉपिक है सेबी के कार्य, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो जल्दी से इसे नोट करिए, मिटा दें। ध्यान दीजिएगा सेबी के कार्य, ये कौन कौन सा कार्य करता है, वो तो भूमिका के बारे में था। कार्य सेबी की जब गठन किया गया था, सेबी की स्थापना किया गया था तो इसके बहुत सारे उद्देश्य और वो अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए बहुत सारे कार्य करता है, लेकिन इसमें सबसे जो महत्वपूर्ण कार्य करता है, जो पहला कार्य करता है वह निवेशकों के हितों की रक्षा करता है। क्या करता है, निवेशकों के हितों की रक्षा करता है।
करता। पहला ये कार्य करता है कि जो भी इसमें इन्वेस्टर होंगे उनको किसी भी प्रकार का नुकसान न हो, उसे इस कदर जागरूक करता है कि भाई आप लगाइए, संभल के लगाइए, इन्वेस्ट करिए पैसा, और आपको हम भरोसा दिलाते हैं कि इसमें आपको नुकसान नहीं होगा। दूसरा कार्य क्या है, प्रतिभूति बाजार के व्यवसाय का नियमन करना। प्रतिभूति बाजार के व्यवसाय का नियमन करना मतलब कि जो हमारा सिक्योरिटी मार्केट है उसके लिए एक नियम बनाना, कैसा नहीं कि जो मर्जी है, जब मर्जी है, जैसे मर्जी वैसे खरीदे, एक रूल रेगुलेशन के आधार से एक व्यवसाय तैयार करता है, उसका कानून बनाता है कि आप किसी भी कंपनी के जब शेयर खरीद रहे हैं, डिवेंचर खरीद रहे हैं, तो उसको एक सिस्टम से खरीदने की प्रक्रिया बनाता है। ऐसा नहीं कि गुपचुप तरीके से खरीद लिया, आप टैक्स नहीं बचा लिए, तो ये अच्छा एक मार्केट तैयार करता है। और क्या करता है, ये स्टॉक ब्रोकर, सब ब्रोकर्स, ठीक ना, ये क्या करता है, स्टॉक ब्रोकर्स सब ब्रोकर्स, ठीक ना, और भी बहुत सारे हैं, एजेंट, ठीक ना, एजेंट के कार्यों का नियमन करता है, कार्यों का नियमन करता मतलब कि शेयर मार्केट में जो भी कार्य करने वाले ब्रोकर्स हैं, स्टॉकिस्ट हैं, या सब ब्रोकर्स हैं, या छोटे मोटे एजेंट्स हैं, वो क्या कार्य कर रहे हैं, उनके कार्यों के लिए नियम बनाता है कि वो उनका दायरा बस इतना ही तक सीमित है, इतना ही वो कार्य कर सकते हैं, ठीक है। और क्या करता है, ये स्वयं निर्मित संगठनों को प्रोत्साहित करता है, स्वयं नियमित संगठनों को प्रोत्साहित करता है। ये स्वयं नियमित जो भी संगठन होते हैं उन्हें भी प्रोत्साहित करता है कि आप भी आइए शेयर मार्केट में, आप भी स्टॉक एक्सचेंज में अपना रजिस्टर्ड करा लीजिए। और क्या करता है, ये अगला दिया गया है कि बाजार से जुड़े लोगों को प्रशिक्षित करने का कार्य करता है, बाजार से जुड़े लोगों को प्रशिक्षित करने का कार्य करता है, मतलब कि मार्केट से जो भी लोग जुड़े हुए हैं उनको प्रशिक्षित करता है, उनको जागरूक करता है, बताता है, जानकारी देता है कि ये हमारा सेबी के नियम है, सेबी हमारा ये कार्य करता है, स्टॉक एक्सचेंज में आप भी जो भी पैसा इन्वेस्ट करें तो नियम शर्तों को जानकारी रखें। और क्या काम करता है, ये और भी बहुत सारे काम है इसमें दिया गया है, प्रतिभूतियों के अंदरूनी व्यापार पर प्रतिबंध लगाता है, प्रतिबंध लगाता है, ठीक ना, कि जो भी प्रतिभूतियां हैं कुछ ऐसी भी होती है कि जो ओपन तौर पे बेची खरीदी जाती है, कुछ अंदर अंदर खरीदी बेची जाती है, तो जो अंदर अंदर खरीदी बेची जाती है उस पर वो कंट्रोल लगाता है, लगाम करता है कि ना चोरी छुपे ना बेची जाए, ओपन मार्केट में भी किया, ठीक है। तो ये तो था आपकी सेबी के कुछ इम्पोर्टेंट या मुख्य कार्य। तो इस चैप्टर में फिलहाल इतना ही दिया गया है कि सेबी क्या है, सेबी की गठन कैसे की जाती है, इसकी भूमिका क्या होती है, मतलब इस स्टॉक एक्सचेंज में सेबी की भूमिका क्या है। तो भूमिका वाला टॉपिक काफ़ी बड़ा था। ये भी पूछा जा सकता है कि सेबी के कार्य कौन कौन से है, तो ये 5-6 पॉइंट दिए गए हैं, ये हमारे सेबी के कार्य। तो फिलहाल आज के लेक्चर में केवल इतना ही, दो टॉपिक चलेगा, फिर अगले लेक्चर में दो टॉपिक के साथ फिर मिलते हैं। ये हमारा लेक्चर कैसा रहा लाइक और कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। वैसे आज लेक्चर चलते समय कुछ दिक्कतें आई हैं, लेकिन खैर वो ज़्यादा माइंड ना रखिएगा, और एक चीज़ ध्यान रखिएगा, कम से कम वीडियो को बहुत शेयर कर दीजिएगा। आप
रिस्पांस देंगे तो रिस्पांस ऐसे ही मिलता रहेगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी मिलते हैं, तब तक के लिए।